हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। और आज की जो वीडियो है हमारी या जो आज का टॉपिक है हमारा, वो जनरली आपको थोड़ा हेल्प करेगा कि मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब ये एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा जनरल। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ स्पेशल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट हाँ ये एक नॉलेज बेस है कि आपको अगर इसकी नॉलेज है तो उसके बेस पर आप एक डिसीजन मेकिंग अपना अच्छे से कर पाओगे। यानी कि जैसे मान लीजिए इंडिया में ही अगर सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टर्स तो हैं ही, यानी कि हम इंडिविजुअल्स या कुछ छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस। लेकिन कुछ इंडिया में गवर्नमेंट ने भी कुछ इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया हुआ है ताकि जब सिक्योरिटीज़ मार्केट में किसी कंपनी में या किसी IPO या शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है या किसी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इसका आपको बताने का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न मैं बताऊंगा कि जब ये इंस्टीट्यूशंस किसी भी कंपनी में या किसी भी बड़ी शेयर्स IPO में अपना इन्वेस्टमेंट देते हैं या किसी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इन लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई है। जो आपको नॉलेज नहीं है, मतलब आपके नॉलेज में जो एस्पेक्ट्स या जो चीज़ें आपके नॉलेज में भी नहीं होंगी, उन चीज़ों को भी इन इंस्टीट्यूशंस ने कवर किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं कि मतलब समझ सकते हो आप लोग कि अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें एक तो आपका इन्वेस्टमेंट का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और आने वाले टाइम में जो फ्यूचर में जो रिटर्न्स के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। और जब एक कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिलती है अच्छी खासी, तो वो भी अपने आप को ग्रो करती है अगर उसका बिजनेस प्लान अच्छा होगा। और ये लोग तभी इन्वेस्टमेंट देते हैं तब उनका बिजनेस प्लान फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, और ये जो है मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं जनरली। तो अगर मैं पहली कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें आता है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, यानी कि ऐसे बैंक्स जो ऑल ओवर इंडिया इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है IDBI। बैंक का आपने नाम सुना होगा IDBI। इसका एक स्पेशल एक्ट भी बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, जिसके तहत ये बैंक बनकर तैयार हुआ। अब इसका जो काम है वो है कि जो भी मीडियम और लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्वेस्टमेंट देना, ताकि इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने आप को बिल्ड कर पाएंगी, लोगों में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, अब ये इंडिया में मतलब इस्टेब्लिश हुआ था आई थिंक 1964 में। ठीक है, 1964 से अभी तक ये बैंक काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट में टिका हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इन्वेस्टमेंट दे रहा है। अभी अगर मैं रिसेंट में बात करूँ तो IDBI का कुछ बैंक का कुछ हिस्सेदारी LIC ने खरीद ली है, लेकिन LIC अपने आप में बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। मतलब इंडिया में इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन आई डोंट थिंक के हो सकता है, क्योंकि LIC हर एक घर में आप चले जाओ LIC हर बंदे ने ली हुई है, हर बंदे के घर से पैसा जा रहा है LIC के पास। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस मतलब जो ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स हैं अगर उसमें दूसरे नंबर पे बात करूं तो इसमें दूसरा नाम आता है IFCI का। अब उसकी अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराती हैं ये मीडियम और लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ को ही प्रोवाइड कराती हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें क्या है वो असिस्टेंस भी देती हैं ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके वो इंडस्ट्री। इन्वेस्टमेंट तो दी इन्होंने, ठीक है, लेकिन साथ साथ असिस्टेंस भी दे दिया ताकि वो अपने आप को ग्रो करे। तो इनको क्या है, छोटी जो कंपनीज़ है अपने आप को बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश करना चाहती है, उनको एक रास्ता मिल गया कि भाई अपने आप को हमें किस तरीके से मार्केट में लेकर जाना है। अब जब एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन उनको हेल्प करने के लिए सामने उनको पूरा का पूरा रास्ता बता रहा है भाई, तो जनरली 99% चांस होते हैं कि कंपनी ग्रो करे। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे मैं बताऊं आपको तो SIDBI, यानी कि SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये जो स्मॉल और जो माइक्रो लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये उसमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि बड़े लेवल को तो ये दो इंस्टीट्यूशंस जो अभी आपको मैंने पहले बताया वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट दे दी, लेकिन स्मॉल स्केल का क्या, क्योंकि जनरली इंडिया में जितना भी एम्प्लॉयमेंट आता है ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आता है, तो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1990 में हुआ था, यानी कि जब इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स चल रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे बिल्ड किया जाए, उस टाइम पे इसका इस्टेब्लिश हुआ था। और ये IDBI की ही एक सब्सिडरी है,
क्योंकि उसी की बहुत मतलब 50% से ऊपर की स्टेक IDBI की ही सिडबी में लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसका मार्केट में नाम आपने इतना सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IIBI, ये 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब ये क्या है, इसका काम है कि जो सिख इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं लेकिन वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं या फिर अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर नहीं पा रही हैं, उनको कहते हैं हम सिख इंडस्ट्रीज़। या फिर जिसमें जो है लोगों का पैसा लगा हुआ है लेकिन वो उनको रिटर्न उसके हिसाब से नहीं दे पा रही है, जो मतलब ख़त्म होने की कगार पे एक तरीके से, तो ये जो बैंक है ये उनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है ताकि उनको एक मतलब चांस दिया जा सके। क्योंकि अगर हम कंपनीज़ को डायरेक्ट मार्केट में इस तरह से ख़त्म करते चले जाएं तो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो पूरा डूब जाएगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट उनको रिलीफ ना दे, उनको इन्वेस्टमेंट और ना दे, तो इन्वेस्टमेंट के साथ चांसेस होते हैं कि कंपनी शायद ग्रो कर जाए, क्योंकि उसके मैनेजमेंट में या कहीं पे कोई लूप होल्स है, तो ये चीज़ उसको दूर करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर उस चीज़ से कंपनी अपने आप को बेटर पोजीशन में ला सकती है तो क्यों ना लाया जाए भाई, और जो उसमें बंदे एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं क्यों ना उनको चांस दिया जाए, ठीक है। और अब मैं सेकेंड बात करूँ तो सेकेंड टाइप ऑफ बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो ये है स्पेशल काइंड ऑफ, यानी कि स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनको किसी एक पर्पज़ के लिए बनाया गया है, या कहीं के इंडिया में जब सेक्टर इतने बड़े होते जा रहे हैं, बिजनेस इंडस्ट्री इतनी फैलती जा रही है, तो कुछ स्पेशल सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, तो गवर्नमेंट ने उनको आइडेंटिफाई किया, उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है IFCI वेंचर कैपिटल फंड। IFCI मैंने ऊपर आपको बताया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये उसी का एक पार्ट है। ये एक वेंचर कैपिटल फंड कंपनी है, ठीक है। ये जो फंड्स आपको प्रोवाइड कराती है, ये जनरली ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फंड्स प्रोवाइड कराती हैं जो टेक्निकल सेक्टर से, यानी कि इंडिया में जैसे बोले तो IT सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब वो क्या कहूँगी, जैसे कि प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट कोई बना रहा है, या फिर किसी का एक आइडिया इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने का, इनोवेटिव प्रोसेस का, या फिर किसी टेक्नोलॉजी का। क्योंकि इंडिया में क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा था, हम लोग अभी तक थे टिके हुए कि भाई बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, इंडिया में उसको बेचो लगा लगा के, लेकिन अभी इंडिया खुद से अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो यहाँ पर जितनी भी टेक्निकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया में ही करें, उसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा नाम यही था IVCF, बताया मैंने आपको इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म। दूसरे नंबर पे जो है वो है ICICI वेंचर फंड। ये भी कुछ इसी तरीके के आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये IT सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। ये जनरली क्या है कि जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं कि ड्रग्स से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड हैं, पॉलीमर से रिलेटेड हैं, वैक्सीन्स, बायोटेक्नोलॉजिकल, यानी कि इंडिया में जो कहते हैं ट्रीटमेंट के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास माना जाता है कि पॉवर्टी लाइन के नीचे भी अभी बहुत लोग हैं, तो उनको अच्छे इलाज की ज़रूरत है, कम पैसे में अच्छी दवाइयों की ज़रूरत है। अब उसके लिए भी अगर हम बाहर देशों पे निर्भर होंगे तो इंडिया को वो सब दवाइयाँ जो यहाँ बनाएं अगर हम, तो 1 या 2 रुपये की हो, बाहर से लेके आओ वो 10 रुपये की पड़ जाती है। तो यहाँ के गरीब लोगों के हिसाब से वो चीज़ें भी करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिया में ही डेवलपमेंट हो इन चीज़ों का, और इंडिया को हो उसका सबसे पहला लाभ मिले, ना कि बाहर की कंडीशंस के हिसाब से हम लोग उसको इंडिया में लेके आएँ। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का वेदर डिफरेंट है, तो यहाँ पर अगर कंपनियाँ रिसर्च करेंगी तो वो यहाँ के हिसाब से 100% यहाँ की जो क्लाइमेट है उसके बेस पे होंगी, ठीक है। और इसमें अगर मैं तीसरा नाम आपको बताऊं, उसका नाम है TFCI, यानी कि टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया अपने आप को एज अ टूरिज्म हब के नाम पर भी इस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि इंडिया में इतना हेरिटेज है, इतना हेरिटेज स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अगर इसको सही से प्रमोट किया जाए तो इंडिया टूरिज्म हब बन सकता है बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया की ही ले लें, तो इंडिया भी 5000 साल पुरानी अपने आप में एक सभ्यता है, तो यहाँ पर इतने हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ना कि लोग दूर दूर से देखने उनको आते हैं। अब अगर उनको हम प्रमोट ही ना करें, वो एक सेक्टर है जहाँ पर काफ़ी बड़ा इंडिया का एक मतलब बहुत बड़ा हिस्सा उस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो टूरिज़्म से ही अपना रोज़ी रोटी कमा रहा है, अगर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो उसको प्रमोशन नहीं होगा, उसका प्रमोशन नहीं होगा तो जितने लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं उनका जो फ्यूचर है या उन उस सेक्टर की ग्रोथ के लिए वो एक नेगेटिव लाइन हो जाएगी। तो उसको प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया।
ठीक है। इसके बाद जो तीसरा तीसरे लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये जनरली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगाए गए हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं है। इसमें सबसे पहला नाम आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब ये क्या है, जनरली वैसे बोला जाता है कि भाई इंश्योरेंस पर्पस के लिए बनाई गई है, एस्टेब्लिश की गई है, लेकिन ये एक ऐसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी एस्टेब्लिशमेंट हो गई है कि अगर कहीं पे भी पैसे की नीड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना पैसा चाहे जब चाहे यहाँ से ले सकती है, और किसी भी सेक्टर में कितना भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है LIC से ज़्यादा कोई हेल्पफुल नहीं हो सकता गवर्नमेंट के लिए भी। और ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो इसका सिर्फ इंश्योरेंस का ही नहीं है, ये आजकल म्यूचुअल फंड में भी आ गए हैं, ठीक है। ये आजकल देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में भी आ गए हैं। तो LIC का अपने आप में काफ़ी बड़ा एक इंडस्ट्री बन गई है, ठीक है। दूसरे नाम दूसरी जगह अगर हम देखा जाए तो वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि UTI। अब UTI पहले से यानी कि करीब 1980 से एक वेल नोन ब्रांड है इंडिया में, जिसका पहले अगर मैं बात करूँ तो एक एक्सिस बैंक जो अभी आप लोग जानते हैं उसको पहले UTI बैंक बोला जाता था, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर में इतना अच्छा नहीं कर पाए इसलिए उसको एक्सिस ने एक्वायर कर लिया। लेकिन ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है और ये लोग डिपॉजिटरीज की सर्विस देते हैं जनरली। अब डिपॉजिटरीज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि डिपॉजिटरीज का काम क्या होता है। अब डिपॉजिटरीज का काम मैं एक ओवरव्यू बताऊँ तो उनका काम होता है कि जो जितना भी डाटा कलेक्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टर्स से, उसको एक सर्वर बेस डाटा बनाना। अब सर्वर पे अगर सारा डाटा होगा तो मिनटों में डाटा ट्रैक हो सकता है, ठीक है। आपको मिनटों में सर्विसेज मिल जाएंगी, जिसको जो सर्विसेज आपको एक एक दो दो दिन लग जाते थे मिलने के लिए। तो UTI जो है, और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो है कि सेविंग्स जो है, मतलब जो लोअर लेवल पे जो इन्वेस्टर है ना, उसके पास से सेविंग्स को इंडस्ट्रीज़ के लिए लाया जाए। क्योंकि उन लोगों का क्या है कि अपने वो क्या करते हैं, इंडिया में जो फेमस है जैसे लोग बैंक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, आजकल करने लग गए हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था, या फिर एक बहुत हाँ। तो मैं बता रहा था कि जैसे जो लोग कलेक्टिव होके एक साथ, बहुत सारे लोग जब कलेक्टिव होके, इसको कहते हैं इंडिया में कि कमेटी डालना, कमेटी के तौर पर वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को चलाते हैं। अब उसमें क्या है कि आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते, कोई भी बंदा आपका पैसा लेके आपकी पूरी मतलब 5-7 साल जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो पूरी लेके भाग सकता है, उसमें कोई आपको सिक्योरिटी नहीं है। तो ये क्या है, ऐसे लोगों को प्रमोट करती है UTI कि वो अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को इनके थ्रू बड़े स्केल पे इन्वेस्ट करें, जहाँ पर गवर्नमेंट पूरा रेगुलेट कर रही है, इतने इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी निगरानी में ये सब काम हो रहा है, ताकि लोगों के मन में एक मतलब सिक्योरिटी वाली फील आए कि भाई हाँ मेरा पैसा वहाँ पे सिक्योर रहेगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ इन लोगों के बीच जिनका ना आपको बैकग्राउंड पता है ना जिनके बारे में आपको जानकारी है कुछ, उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और जो तीसरी सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वो है GIC, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, ये जनरल इंश्योरेंस देते हैं। अब जनरल इंश्योरेंस में काफ़ी तरह के, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सब इंश्योरेंस कवर हो जाते हैं। अब ये LIC जितना बड़ा तो नहीं है, बट इंडिया में एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के गवर्नमेंट सेक्टर में बात करें तो इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा हो, ठीक है। अब अगर आप इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये लोगों का काम भी है कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताना जिसमें आपकी लाइफ भी सिक्योर हो सके, आपकी फैमिली भी सिक्योर हो सके, ठीक है। और साथ साथ के आपके पास जितने भी आजकल मान लीजिए व्हीकल हैं, आपकी असेट्स हैं, उसको सिक्योरिटी इसके थ्रू आपको मिल जाती है। और इसमें एक कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं जिसमें आप सिक्योरिटी के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा मतलब बैंक से भी अच्छा रिटर्न्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कंट्रोल और कैरी जो है वो बिजनेस जनरल यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट के थ्रू किया जाता है। अब इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसके डिवाइड करके बना दिए गए हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, जैसे द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी हो गई, और द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ओरिएंटल बहुत अच्छा ब्रांड है अपने आप में, और जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के ही सब्सिडरीज हैं, उसी के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद GIC जो है ये आई थिंक 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, तब से लेके आज तक बहुत अच्छा प्रॉफिट
गवर्नमेंट को दे रहा है, और ये सभी के सभी नवरत्न कंपनीज कहलाई जाती हैं। यानी कि इंडिया में जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं तो इनको नवरत्न माना जाता है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट गवर्नमेंट को बना के देती है। और जब भी ये नवरत्न कंपनीज कहीं पे इन्वेस्टमेंट डाल रही हैं, इसका मतलब इन लोगों ने उस कंपनी के बारे में जितना भी डाटा है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसको अच्छे से रीड किया है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग किया है। और जब भी आप देखते हैं कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती है कि आप लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।